वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अब क्यों समय चाहिए? ये सवाल ये केस का सिंपल एक लाइन में प्रश्न है कि क्या घोड़ा बाजार होने की अनुमति दी जाएगी? और 30 तारीख तक जब होगा तब हम भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार का गुट जीत जाए। वो अल्पमत वाली सरकार है, अगर उनके पास पूर्ण बहुमत रहता तो दिन दहाड़े जाकर शपथ विधि कार्यक्रम होता। रोज होटल 4-4 दिन के बाद बदलते तो विधायक के ऊपर विश्वास नहीं, जबरदस्ती उनको होटल में रखा गया है। तीनों दलों ने मिलकर किसके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे या बनाना चाहते हैं इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, हम राजभवन में आने के लिए तैयार है, बोलेंगे तो रास्ते में भी या बोलेंगे चलो ये चौक में आ जाओ, हम दिखाने के लिए तैयार है। Yes, there are several MLAs who have claimed that they have been called upon by the BJP senior leadership. Horse trading करने में ये नेता माहिर हैं, but लेकिन हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। घोड़ा भी, घुड़सवार भी और अस्तबल भी, जी हां, महाराष्ट्र की सियासत की यही कहानी इस वक्त लिखी जा रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद बड़ी खबर और बड़ा चैप्टर आप देखेंगे उस सियासी ड्रामे में जो हम महाराष्ट्र की राजनीति में देख रहे हैं, क्योंकि ठीक 7 बजे बताया जा रहा है कि तीनों ही पार्टियों के, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों की परेड होगी। एक फ्लोर टेस्ट अंदर विधानसभा में होना है, लेकिन उससे पहले होटल हयात में 162 विधायक सामने रखे जाएंगे तीनों पार्टियों की तरफ से। होटल हयात में पहले से ही एनसीपी के विधायक हैं, शिवसेना के विधायक जो कि लेमन ट्री होटल में है वो वहां पर पहुंचेंगे, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी वहां पर पहुंचेंगे और शाम 7 बजे कुल 162 विधायकों की परेड शुरू होगी। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में नया चैप्टर लिखा जाएगा इस सियासी ड्रामे के बीच, लेकिन तेरे पवार मेरे पवार किसके पवार के बीच की ये पूरी कहानी सियासत के सबसे बड़े गोलमाल परिस्थिति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में ये सब कुछ होता दिख रहा है आरोपों और दावों के बीच अब से 1 घंटे बाद, जी हां, 7 बजे 5-स्टार होटल में ग्रेट सियासी ड्रामे का अगला चैप्टर होगा। शाम के 7 बजे एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना होटल हयात में अपने विधायकों की परेड कराने वाली है। जगह और वक्त तय हो चुका है, होटल हयात, तीनों पार्टियों के बड़े नेता वहां पहुंचने का सिलसिला भी अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हयात में पहले से एनसीपी के विधायक ठहरे हुए हैं, कांग्रेस के विधायकों को JW मैरिट में रखा गया है, वहां से आएंगे, और शिवसेना के विधायक लेमन ट्री होटल से वहां पर पहुंचेंगे। अलग अलग होटलों से निकालकर बसों में भर भर कर वहां पर पहुंचाया जाने वाला है। तस्वीरें कुछ ही देर पहले आई हैं, शिवसेना के विधायक बस से निकलकर वहां पहुंचने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट में चर्चा की शुरुआत। कम से कम 40 साल से राजनीति में हूँ तो सभी पार्टी के विधायक तो संपर्क में रहेंगे मेरे। एक लाइन में प्रश्न है कि क्या घोड़ा बाजार होने की अनुमति दी जाएगी? किसके घोड़े बिक के किसका अस्तबल लुटा, महाराष्ट्र के महाखेल में ये आंकड़ों की ऐसी क्रूर सौदेबाजी है कि अब जनादेश और विधायकों की खरीद बिक्री और लुटने लुटाने पर घोड़े और अस्तबल बदनाम हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है और चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अदालत में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से जिरह करने वाले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल का पक्ष रखने वाले वकील मुकुल रोहतगी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र संकट पर चल रही सुनवाई पर 3 जजों की बेंच के आगे दुहाई दी कि यहां तो पूरा अस्तबल ही लुट गया। जो जॉकी थे वही गायब हैं और घोड़े अब भी वही हैं। अस्तबल लुटने की यही दुहाई अमित शाह ने भी दी, कहा
हॉर्स ट्रेडिंग की बात क्या कर रहे हैं, यहाँ तो पूरा का पूरा अस्तबल ले उड़े हैं। Yes, there are several MLAs who have claimed that they have been called upon by the BJP senior leadership. जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई की कोशिश हुई है, इनके पास बहुमत नहीं था। इस बीच महाराष्ट्र की पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, जो कल सुबह 10:30 बजे आने वाली है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का पक्ष चाहता है कि फ्लोर टेस्ट तो हो, लेकिन तारीख पर फैसला न्यायिक हस्तक्षेप से नहीं हो। जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मांग है कि सर्वोच्च अदालत शक्ति परीक्षण के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे। विधायकों की खरीद बिक्री पर आर पार के इस युद्ध में महाराष्ट्र की जनता भी सोच रही है कि नाखून पर लगी वोट की स्याही तो मिट गई, स्याह सियासत का ये बदहाल चेहरा बरसों तक सत्ता लालच की तस्वीर जिंदा रखेगा। विधायक खड़ा बाजार में ये विशेष पेशकश लेकर हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में हम आपके सामने सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए। केसी त्यागी जी, सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए। अतुल अंजान जी, नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के हमारे साथ जुड़ गए। महेश तिवारी शिवसेना का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। संजय जोग जी, सीनियर जर्नलिस्ट मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। महेश तिवारी जी यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और आशुतोष जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार इस कवरेज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, सर अब तो घर पर, सड़क पर, जहां जहां आप जा रहे होंगे, आम लोग ही आपसे पूछते होंगे कि ये क्या कर लिया आपने, बहुमत कहां से साबित कीजिएगा, कुछ बताइए सर, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है हल्ला बोल में। देखिए अंजना जी, इस पूरे घटनाक्रम को 3 पक्षों में विभाजित करके देखा जा सकता है, और सामान्यतः किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम के 3 पक्ष होते हैं। एक होता नैतिक पक्ष, एक होता संवैधानिक पक्ष, एक होता राजनीतिक पक्ष। जिस दिन इसका चुनाव परिणाम आया 24 अक्टूबर को, भाजपा शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। भाजपा अकेले दम पर सबसे बड़ी पार्टी थी और एकमात्र पार्टी थी जिसके 100 से ऊपर विधायक थे, और आज सहयोगी दलों के साथ हमारे 119 हैं, तो नैतिक दृष्टि से हमारी जय हुई थी। संवैधानिक स्थिति क्या, संवैधानिक स्थिति सर, अभी वो परेड कराएंगे 7 बजे। नेता एनसीपी थे सर, अभी वो 7 बजे लिखित में वहां पत्र दिया, 7 बजे वो कह रहे हैं परेड कराएंगे 162 विधायक। अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि पीएम भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं और वहां भ्रष्टाचार चालू है महाराष्ट्र में। देखिए उसी पे हम आ रहे हैं अंजना जी, जो आपने बोला भी, आप ही के ने जो अभी कमेंट्री में बोला, उसी के अंतिम 2 शब्दों के साथ इसको कनेक्ट करूंगा। अब देखिए संवैधानिक स्थिति ये कि यदि अजीत पवार जो नेता एनसीपी थे, उन्होंने आके समर्थन दिया, सारे साइन एकदम सही हैं, उसके साथ सरकार बनी। अब अगर हम ये कहें कि राजनीतिक स्थिति क्या, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये 3 दल आपस में 1 महीने से समझौता नहीं कर पा रहे, दलों के अंदर आपस में मतभेद, परिवार के अंदर मतभेद, कार्यकर्ता और नेता में मतभेद, और उसके बाद दोष हमारे ऊपर। चलिए संख्या अगर आपके पास है तो अंजना जी, परीक्षा भवन में परीक्षा का प्रश्न पत्र जमा करने पर ही परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, मीडिया के सामने नहीं। सदन के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिएगा, यदि आपके पास है हमारी सरकार को हरा दीजिएगा, क्योंकि यदि कोई सरकार अस्तित्व में है तो एसआर बोम्मई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार वह सदन के पटल पर ही तय होगा, और अभी आप पटल पे ही होगा, सदन के पटल पे ही होगा। सियासत में लालच का ये खेल, अंजना जी ये लालच का खेल कहां से शुरू हुआ था? अंजना जी आपने जो अभी अपने वक्तव्य में कहा था, ये लालच से ही तो सारा खेल शुरू हुआ। एक पार्टी जो गठबंधन के साथ थी उसे लालच कुर्सी का, उसके बाद 1 महीने से इन में आपस में बंटवारा किस बात का नहीं हो रहा, कोई आध्यात्म साधना तो हो नहीं रही थी, स्वार्थ साधना हो रही थी ना, कि ये विभाग वो विभाग, इसी बात को लेकर तो एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना आज तक ना अपना नेता तय कर पाए, ना राज्यपाल को पत्र दे पाए, तो सियासत और लालच पूरा देश देख रहा है कि किसके मन में लालच था और कौन लालच का खेल कर रहा है। 62 विधायक अगर वहां पर परेड करेंगे सर, तो आपके साथ कौन है? चलिए मान लेते हैं वो लालची थे, लेकिन आप जो पकड़े हुए इस वक्त सत्ता को, आप कैसे बहुमत साबित कीजिएगा? प्रियंका वाड्रा दूसरी तरफ कह रही हैं कि ये एक तरफ कहते हैं महान महान बातें, और दूसरी तरफ देखिए जो भी इनकी पार्टी में जाता है वो धुल जाता है, अजीत पवार पर उनका निशाना है। जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं त्यागी जी और अतुल अंजान ने मेहमानों के पास जाऊं।
अजीत पवार के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं उसमें 3,000 से ऊपर मैटर्स थे और 9 में अभी ऐसा नहीं कि कोई केस खत्म हो गया कुछ हो गया, और ये तो ऐसे तो कई घटनाएं पिछले 5 साल में हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले ही 9 केस है जिनमें कि उनके ऊपर बात नहीं आई है, पिछले 5 साल में ऐसे 2-3 और भी अवसर आ चुके हैं जिसमें उनके ऊपर बात नहीं आई। और मैं भी प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, 2G के केस में कांग्रेस और आपके यूपीए के नेताओं पर से चार्जेस हट जाएं तो यह सत्य की विजय है, और यहां पर हट जाएं तो यह पक्षपात है। तो दोनों में से मान लीजिए, यदि हमारी सरकार पूर्वाग्रहग्रस्त थी तो हमारी सरकार में सीबीआई की चार्जशीट में 2G के मामले में आपको राहत मिल गई। तो इसलिए जो जांच एजेंसियां वो अपना काम कर रही हैं और उनके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। चलिए ठीक है, अतुल अंजान जी, अगर किसी आंख की परेशानी की वजह से आपने काला चश्मा पहना है तो फिर मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिएगा, लेकिन सियासत की बात हो रही है और आप काला चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं अजीत पवार विधायक दल के नेता के रूप में समर्थन की चिट्ठी दे रहे थे और यही तमाम बातें आज कोर्ट में कही गई हैं, और 48 घंटे का वक्त तो देखिए संडे से मिल गया इनको कल तक का। अंजना जी, आप सहित जमाने की निगाहों से बचने के लिए काला चश्मा लगाया है, हो सकता है आंख भी कुछ खराब हो गई हो, ये भी एक कारण रहा हो, लेकिन लगाया जमाने की निगाहों से बचने के लिए, इसलिए इस काले चश्मे को बदनाम मत कीजिए, काली सियासत करने वालों को बदनाम कीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गेम जो चल रहा है इसका पटाक्षेप होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतिहास दोहरा रहा है। ये द्रोपा जी ने भी यही किया था, ऐसे ही गए थे तमाम लोग, जो लोग अब होटलों में आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, तमाम दर्शकों को आपको ये नए नए नामों होटलों के नाम, ये 7 सितारा 5 सितारा होटलों के नाम, ऐसे ही गुजरा कर्नाटक में जब ये येद्रप्पा जी एमएलएज लोग को बंबई भेज रहे थे कर्नाटक के, तब भी ये सब आ रहा था। जहाँ तक सवाल है कि सच्चाई क्या है और अब हाई सुप्रीम कोर्ट में गया है मैटर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 50-50 जब किया था आपने लोकसभा में तभी आप तय कर लेते, इतना लंबा प्रचंग क्यों चला रहे हैं? और ये जामा अब सिर्फ, ये जामा सिर्फ मुंबई का नहीं है, ये सवाल है कि द्वारपाल क्या कर रहे हैं। इन द्वारपालों ने यही खेल किया था जम्मू कश्मीर में, इन द्वारपालों ने खेल किया बड़ी, आप कह रहे हैं बड़ी पार्टी को बुला लिया जो विधानसभा में सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ा दल, तो गोवा में विधानसभा में कौन सबसे बड़ा दल था? कांग्रेस थी, क्यों नहीं बुलाया द्वारपाल ने? तो फिर मणिपुर में सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी थी चुनाव के बाद, उस द्वारपाल ने क्यों नहीं बुलाया, क्यों बुलाया बीजेपी को और सरकार बनाई? यही हाल अगर इस तरह के होंगे तब क्या होगा? हरियाणा में देख चुके हैं क्या काम हुआ, हमने क्या काम दिया कि दुष्यंत चौटाला को सरकार में ले लिया बीजेपी ने, और जिनको महाभ्रष्टाचारी कहते थे चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला, अभय चौटाला, सब छूट कर चले आए क्योंकि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ भी खेल चल रहा है, ये क्या हो रहा है? संसदीय लोकतंत्र की द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, ये कौन करा रहा है? दिल्ली में बैठी हुई सत्तारूढ़ दल करा रही है। प्रधानमंत्री जी, इज्जत बचाने का सवाल है। अमित शाह जी के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से कई बार निपट चुके हैं। ठीक है, मैं अब सुधांशु जी जवाब इसका लूंगी आपसे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, त्यागी जी से जरा बात करने दीजिए। त्यागी जी, ये जो सर्फ वाली धुलाई होती है भारतीय जनता पार्टी में घुसते ही, आप तो उनके साथी ही है, कहां पर खड़े हैं इस पूरे मामले में आप? फडणवीस और अजीत पवार की सरकार के साथ या फिर इन तीनों के साथ जो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है? मैं अंजना जी थोड़ा सा तटस्थ होने का प्रयास करूंगा तभी मैं ईमानदारी से अपनी बात रख सकूंगा। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं अंजान जी, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उसमें कुछ बातें कड़वी भी हैं, कुछ सच्ची भी हैं। और कल संविधान दिवस है, संविधान के जो निर्माता थे या जो संविधान सभा में जो बहसें हुई थी उसमें ये शामिल नहीं था कि बलात्कारी भी MP बनेंगे, डाकू भी बनेंगे, मुकदमे भ्रष्टाचार के भी हटेंगे, गवर्नर की भूमिका पर भी सवाल उठेगा, स्पीकर भी घेरे में आएंगे, तो संविधान सभा में ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन कल संविधान और उसके निर्माता भी अफसोस कर रहे होंगे कि संविधान दिवस के अवसर पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मेरे मित्र, आप भूल गए, देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी EMS नंबूदरी पाद की,
मैं भी उनका प्रशंसक हूँ और आपके नेता थे। 1959 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षता थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, बगैर किसी कारण के वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। और मेरे पास लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लिस्ट को चैलेंज करें। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 80 बार राष्ट्रपति शासन लगा, मिसेस गांधी 35, दोबारा मिसेस गांधी 15 और 11 पीवी नरसिंहा राव, मनमोहन सिंह 12 और जो बुरे लोग हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके कार्यकाल में सिर्फ 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं भी और आप भी और सुधांशु जी के जो पूर्वज थे सभी लोग आर्टिकल 356 के खिलाफ थे। मैं स्वयं कई बार धरनों पे बैठा हूँ, बहुत लंबी बहस अंजना जी हो जाएगी। अभी इन्होंने हरियाणा का जिक्र किया, 1982 भूल गए जब चौधरी देवीलाल डॉक्टर मंगल सेन का बहुमत था और वहाँ के राज्यपाल तपासे ने कल शाम 4 बजे का समय देकर के भजनलाल को 24 घंटे दिला दी थी, वो भूल गए। एंटी रामा राव का बहुमत था, रामलाल जी वहाँ के गवर्नर थे और वहाँ पे बहुमत होते हुए भास्कर राव को शपथ दिला दी। और सुनिए, इनके नेता राजेश्वर राव जी, मेरे नेता चरण सिंह जी, इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति से समय लिया मिलने का, समय तय हो गया। जब ग्वालियर से गाड़ी चलने लगी सारे विधायकों के साथ जिसमें एनटीआर भी शामिल थे, मंझे हुए पुराने हैं कि 25 किलोमीटर पर अतुल अंजान जी मंझे हुए हैं, पुराने हैं, आंकड़े लेकर बैठे हैं। 80 बार लगाने वालों के साथ तो सरकारें बना ली। और मैं अभी जवाब दे दूंगा सर, सब जवाब दूंगा, अभी सब जवाब दूंगा। अभी एक सेकंड टोकरी आपका जवाब लूंगी। शरद पवार और सुप्रिया सुले इस वक्त जा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, शरद पवार और सुप्रिया सुले। दरअसल तमाम विधायकों की एक परेड होने वाली है, होटल है हाथ में, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। शिवसेना के विधायकों की भी तस्वीर कुछ देर पहले आई थी जब वो बसों में भरकर जा रहे थे वहां पर के लिए। द ग्रेट एमएलए परेड आज होने वाला है थोड़ी ही देर में, आज तक पर हम आपको दिखाएंगे लाइव कवरेज। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि लगातार प्रहार हो रहा है, प्रियंका वाड्रा से लेकर सभी लोग हमला कर रहे हैं इस वक्त सरकार पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और ये देखिए आपको दिख रहे शरद पवार सुप्रिया सुले एक साथ होटल हयात पहुंच गए हैं, उनके पहुंचने की खबर है, तस्वीर है। यहीं पर तमाम विधायकों की परेड होने वाली है। जवाब दीजिए अतुल अंजान जी, जवाब दीजिए, 80 बार ऐसे राष्ट्रपति शासन लगाने वालों के साथ तो आपने ठीक है जी, पूरी कीजिए त्यागी जी, त्यागी जी अंजना जी, अंजना जी एक सेकंड, एक सेकंड। और अगर कल को परेड में, आज परेड में बहुमत साबित होता है सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने के बाद, अगर वहां की सरकार जो फडणवीस साहब की है अगर बहुमत खोती है, तो मैं भी आपकी तरह से बहुत दुखी इंसान हूंगा कि राज्यपाल को नाप तोल करके कार्य करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट और उन्होंने संतुलित अपनी बात कही है। अतुल अंजान जी बताइए, 80 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वालों को तो आपने धो दिया था एक वक्त पर, मतलब सर फली धुलाई, सरकार में शामिल हो गए थे। मैं आपको बताऊं अंजना जी, आखिर में सब बात बोलने के बाद एक नई बात त्यागी जी ने कह दी, जो अपनी पहली सब बात थी उसको दरकिनार कर दिया, दुखी हो जाएंगे। त्यागी जी, हमने भी देखा है 57, 59, 62 और हमने भी देखा है चौधरी चरण सिंह जिनका आपने जिक्र किया, हमने भी देखा बाबू जगजीवन राम को कैसे प्रताड़ित किया गया, हमने भी देखा बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री जनता पार्टी के दौर में कैसे नहीं बनने दिया गया, हमने भी देखा सुरेश सुषमा का कांड, हमने वो सब देखा। गवर्नर हम तो कभी रहे नहीं सरकार में, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार अवसर मिला था कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता को दिल्ली में गृह मंत्री बनने का, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी में कल्याण सिंह जैसे आदमी की सरकार थी जो मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक गलत तरीके से उनकी सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की वहां के द्वारपाल राज्यपाल रमेश भंडारी ने संस्तुति भेजी थी और आप भी उसी में थे, और उस वक्त यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट के अंदर
गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि गो वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है हम समर्थन नहीं देते, बावजूद उनके विरोध के भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास। इतिहास में थोड़ी गलत है, ये राष्ट्रपति जी तो गलत हो गया। ये सच्चाई है कि के आर नारायणन जो उस समय राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने देखा कि गलत तरीके से सरकार को भरकास करने की कोशिश हो रही है, उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किया था, ये सच्चाई है। उन्होंने कहा गृह मंत्री का समर्थन नहीं है इसको। सुधांशु जी जल्दी से एक जवाब, सुधांशु जी जल्दी से एक जवाब, सुधांशु जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं, एक बार वो एक जवाब दे दे, फिर संजय जोगी आपके पास, तिवारी जी आपके पास। मैं एक बात कह रहा हूँ कि सुप्रिया सुले जी अब अगर बाहर एक परेड हो रही है, परेड तो कराई गई थी त्यागी जी की सरकार में, जब बिहार के अंदर आरजेडी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो इस परेड का लेकिन क्या मतलब है सर? जेडीयू के विधायक गए थे ना, इस परेड से एक पोजीशनिंग, एक पोस्चरिंग हो सकती है, के सामने परेड हुई थी, तो परेड पोजीशनिंग, एक पोस्चरिंग देश के सामने हो सकती है, परेड की बुनियाद, लेकिन अंततः तो सब कुछ विधानसभा में हो रहा है ना। राज्यपाल जो त्रिपाठी जी थे, उन्होंने दूसरे दिन सुबह नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन सुधांशु जी देश तो देखेगा ना कि 164 किधर है, तो आपके 70 किधर है, और उस समय वापस कर दिया राष्ट्रपति ने, 200 सामने दिख रहे। सुधांशु जी आज पर आइए, आज पर आइए, आप लोग इतिहास वाले पोल खोल के हमेशा नेहरू और याद रहता है, मेरा पे मत पहुंचिए। आज पर आइए सर, मुझे बताइए कि भले ही पोजीशनिंग हो, पोस्चरिंग हो, लेकिन 164 विधायक वहां पर 162 दिखेंगे आरजेडी के समर्थन के बाद, 162 विधायक वहां दिखेंगे, तो पूछा जाएगा ना कि आपके 170 किधर है। हाँ, हम उस पे भी आ रहे हैं। अंजना जी याद करिए अरुणाचल प्रदेश का प्रकरण, जब हमने बहुमत एक जगह पे सिद्ध किया था, हमारी सरकार ने, कोर्ट ने मान लिया था, क्या उसने कहा विधान भवन के अंदर ही माना जाएगा, और जब विधान भवन के अंदर हुआ तो निर्णय कुछ और हो गया था। तो मैं आज के जमाने की बात कर रहा हूँ, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। विधायकों की परेड होने वाली है, ये शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायक है जिनकी परेड अब से कुछ ही देर बाद होटल हयात में होने वाली है, और वहीं पर ये तमाम आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले भी वहां पर पहुंचे हैं, विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, इस परेड के जरिए और ये 162, तो क्या हमारे की कुछ निर्दलीय भी इसमें हो सकते हैं उनके साथ शामिल? देखिए, अभी तक इनका खुलासा नहीं हुआ है कि वो निर्दलीय आएंगे कि नहीं, लेकिन शो ऑफ स्ट्रेंथ है, 162 का फिगर है जब जो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद कुछ होंगे जरूर। इस वक्त जितने हमने देखे हैं अंदर जाते हुए, ज्यादातर कांग्रेस और एनसीपी के नेता और शिवसेना के नेता थे। एनसीपी के अभी इस वक्त ज्यादा आए हैं, शरद पवार क्योंकि आ चुके हैं, तो इसकी वजह से एनसीपी के कई सारे जो नेता हैं जो नहीं भी जीते हैं आए हैं इस वक्त। यहाँ पर अंदर जाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जो बैंक्वेट हॉल है वहां पर अभी, और देख लीजिए आप, ये जो बस है वो आ चुकी है, ये बस आई है इस वक्त हयात के बाहर, अंदर इसमें जा नहीं पा रही है, तो इसलिए पीछे के दरवाजे से इन्हें अब ले जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रोड है, शिवसेना के जो एमएलए है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, शिवसेना के जो एमएलए है अब इस वक्त वो घूम के दूसरा जो पीछे से जो दरवाजा है वहां से एंट्री करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था शरद पवार भी जब आए थे तो काफी भीड़ हो गई थी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा था, तो इसलिए गाड़ी को ले जाया गया, दूसरी साइड से एंट्री की गई, और यही हाल शिवसेना के साथ भी है। इस वक्त जितनी गाड़ियां हैं वो इस वक्त पूरी की पूरी, आप कह लीजिए मुंबई का, कि ज्यादातर गाड़ियां इस वक्त हयात होटल का ही रुख कर रही हैं, और थोड़ी देर में तकरीबन 7 बजे के आसपास बोला गया है कि मीडिया को भी अंदर ले जाया जाएगा, जिसके बाद ये पूरा शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। बिल्कुल, तस्वीरें आप वहां से दिखाते रहिए, जो पूरी बस आप दिखा रही है, दरअसल अलग अलग पार्टियों के शिवसेना के विधायक जो लेमन ट्री होटल में मौजूद थे, JW मैरियट में, देखिए एक से एक 5 सितारा होटल है और जबरदस्त ठाट है। जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हुए संजय जोग जी, जिसके बाद मैं तिवारी जी के पास आऊंगी। जोग साहब, ये शरद पवार जी किधर है, और आज इतने दिन बाद शनिवार को शपथ लिया था देवेंद्र फडणवीस ने, आज पुणे में जाके ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरे उद्धव ठाकरे से मतभेद थे, क्योंकि हम 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद चाह रहे थे। अंजना जी, ये जो शुरुआत की थी, बेसिकली ये निगोशिएशन का जो दौरा चालू हुआ था उसमें एनसीपी ने कभी भी ये अहम मुद्दा उठाया नहीं था। दे स्टार्टेड विथ शेयरिंग ऑफ पावर,
क्योंकि उन्होंने बाद में जब दिखा गया कि एनसीपी इज ऑन अ वीक विकेट तो ये मुद्दा उठाने लगे नवाब मलिक जी। बाद में उनके जो तरफ से जो बेसिकली वार्तालाप हो रहे थे उसमें ये जरूर मुद्दा उठाया कि एनसीपी का डिमांड 2.5 years का इधर भी रहेगा, बिकॉज दे वेर साइटिंग कि शिवसेना और बीजेपी में मतभेद का जो एक जो अहम मुद्दा था वो रोटेशनल चीफ मिनिस्टर का था। नवाब मलिक का कहना छोड़ दीजिए, जानबूझ के वो पीछे रखे और शरद पवार जी बार बार ये कहते रहे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग अभी भी जो हो रहा है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हो रहा है। ये जो बात मुद्दे है वो बाद में आएंगे। और संदेह के घेरे में आते हैं वो मीटिंग के बाहर आके बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, उद्धव ठाकरे के लीडरशिप में यहाँ वो परेड के लिए आ रहे हैं। उसे नेक्स्ट डे अब बेसिकली देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शपथ विधि होता है। तो मेरे को लगता है ये टर्न ऑफ इवेंट्स अगर देखा जाए तो शरद पवार जी ने जानबूझ के ये आज मुद्दा उठाया है कि हमारे बीच में बेसिकली डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व करने की हमारी कोशिश थी, इन बिटवीन बीजेपी एंड अजीत पवार केम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, आपकी इस दलील पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। राजदीप सरदेसाई साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, आशुतोष भी, लेकिन महेश तिवारी जी उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, इस परेड का क्या औचित्य है? इससे एक पोजिशनिंग, एक पॉस्चरिंग, एक संकेत देने की कोशिश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले का इंतजार करने के बाद ही पूरे बात इतने दिनों तक तो बैठे रहे, अब जैसे ही इन्होंने सरकार बना ली साइड इफेक्ट में सारे आप मिल रहे हैं, तो ये क्या सबको समझ में नहीं आएगा? देखिए, परेड करने की जरूरत कब पड़ती है? परेड करने की हमें जरूरत वैसे नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी हमारे जो रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट है वो बार बार संविधान की, बार बार कोर्ट की और बार बार गवर्नर की चर्चा कर रहे थे। मैं इसमें तीनों संस्थाओं का सम्मान करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ इस पूरे प्रकरण में संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से अपमान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या नहीं मानते? मैं बता रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, शिवसेना के नेता हैं, बताइए सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, देयर आर टू ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स को जिसमें इस तरह की सिचुएशन पे गाइडलाइंस ऑलरेडी लेड डाउन है बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसको खुद बीजेपी ने नहीं माना। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कोर्ट ने तो कहा कल हम सुनाएंगे फैसला, नहीं उसकी बात वो तो आ रही है, वो जजमेंट कल आएगा। हाँ। वो जजमेंट कल आएगा, इसके हाँ। पहले की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ अराइज हुई है हाँ। इस तरह की पहली बार नहीं हुआ है हाँ। इस तरह का आपको ध्यान होगा कि 1998 में अरे सर ये सब हम लोगों को पता है, बीते दिन से बोल बोल के दर्शकों को भी हमने रटा दिया। मुझे ये बताइए कि इस परेड का क्या औचित्य है, इससे क्या साबित होगा? ये मतलब है कि जब आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करेंगे जो प्रेसिडेंट सेटल्ड है, तो फिर हमें यह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने धोखे से सरकार बनाई, क्योंकि हम पिटीशनर है सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशनर ने क्या किया कि सत्ता की चोरी करने आप आए थे, हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। ना शरद पवार होंगे, ना सुप्रिया सुले होंगे, वहाँ अजीत पवार होंगे, वहाँ पे अन्य विधायक होंगे, अल्टीमेटली फ्लोर टेस्ट में क्या होता है उसी से सरकार का बहुमत साबित होगा या गिरेगा। आपने सवाल सीधा किया था कि परेड कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपने एक फोर्ज लेटर के तहत आपने धोखे से अजीत पवार को क्यों नहीं निकाल रहे थे शरद पवार? क्योंकि वो क्यों बनाने के लिए कोई जा रहा है, कभी कोई जाता है, कभी कभी नवाब मलिक, कभी जयंत पाटिल, सब कह रहे हैं मान जाइए अजीत पवार जी, क्यों मान जाइए भाई? अगर आपकी पार्टी की चिट्ठियों के विधायकों के हस्ताक्षर के साथ फौजरी किया है अजीत पवार ने, तो आपको तो सख्त कदम उठाना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज तक एनसीपी लगातार कोशिश कर रही है, और या तो दिखा तो रही है हाँ। कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अजीत पवार को फिर लाने के लिए। क्या वजह है कि अगर जैसे कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने धोखा दिया, अजीत पवार ने जिस तरह से एमएलए के हस्ताक्षर लिए गलत तरीके से लिए, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी एनसीपी में कुछ ऐसे विधायक हैं जो अजीत पवार के करीबी है। नंबर दो, आप जानते हैं ये पार्टी जो है परिवार से जुड़ी हुई है, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं अजीत पवार के लिंक्स आपके पूरे जो बारामती एरिया जो आपका गढ़ माना जाता है वहां के वो विधायक हैं। तो एक तरह से आप पार्टी को बचाना चाहते हैं लेकिन परिवार को भी बचाना चाहते हैं। बचा रहे हैं या फिर खेल कुछ और है? खेल कुछ और है या खेल कुछ बचा रहे हैं या खेल कुछ और है? ये तो फ्लोर टेस्ट पे पता चलेगा। अशोक सिंघल जुड़ गए, एक सेकंड, ग्राउंड रिपोर्ट वो बता रहे हैं। वहां पे तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, विधायकों की परेड होगी, क्या होगा वहां पर कैमरे के सामने आकर ये नेता बोलेंगे, क्या समझ में आ रहा है अशोक? देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं, नहीं मैरियट होटल से विधायकों की बस निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि सामने विधायक बैठे हुए, कांग्रेस के 44 विधायकों को लेकर के ये बस जो है हयात के लिए निकल रही है।
मैरियट होटल से, सामने देख सकते हैं ये सब विधायक बैठे हुए हैं, यहाँ से निकलेगी और वहाँ पर हयात में तीनों पार्टियों के विधायकों की परेड कराई जाएगी। मैरियट होटल से ये बस निकल रही है गेट से और थोड़ी ही देर में हयात होटल पहुंचेगी जहां पर इनकी परेड कराई जाएगी। देख सकते हैं कि तमाम विधायक बैठे हुए, 44 के करीब विधायक हैं, इनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे, देखिए बिल्कुल बैठे हुए हैं और हयात होटल पहुंचेंगे, सब के सब विधायक मौजूद हैं इस बस के अंदर और 162 विधायकों की परेड करवाई जाएगी। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, तमाम विधायक एक जगह इकट्ठा होंगे। शिवसेना के विधायक पहुंच चुके हैं, एनसीपी के पहुंच चुके हैं और अभी कांग्रेस के विधायक भी आप देख सकते हैं कि यहां से निकल गए हैं। 10 मिनट के अंदर ये लोग पहुंच जाएंगे हयात होटल और वहां पे परेड करवाई जाएगी। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे रास्ते में भी कि किस ढंग से ये पहुंच रहे हैं वहां पे। 10 मिनट के अंदर अंजना पहुंच जाएंगे हयात होटल के अंदर और वहां पर 162 लोगों को, विधायकों को परेड कराई जाएगी मीडिया के सामने और दिखाने की कोशिश की जाएगी कि हमारे पास बहुमत है, तीनों पार्टियां एकजुट हैं, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है 10:30 बजे और गवर्नर को भी आज उन्होंने लेटर दिया था 162 विधायकों के समर्थन का। कभी कभी तो ये जानने का मन करता है कि जो अन्य गाड़ियां वहां पर है, जो आम लोग महाराष्ट्र के हैं, वो आखिर सोचते क्या है इस तरह की सियासत के बारे में। देखिए ये 5-स्टार पॉलिटिक्स और इन सब के बीच एक आज एमएलएज की परेड होने वाली है। उधर देवेंद्र फडणवीस बहुमत साबित करने के पहले इस वक्त ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी आ रही है और वो फैसले पर फैसले ले रहे हैं। ये देखिए विधायकों की जो बस है उसकी तस्वीर अशोक सिंघल ने आपको भेजी है। आशुतोष जी ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दो तस्वीरें हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस फैसले ले रहे हैं लेकिन इन सब के बीच क्या संदेह के दायरे में है शरद पवार? कई लोगों का ये मानना है कि बहुत बड़ा गेम प्लान हो सकता है, आज उन्होंने 2.5 साल वाली बात क्यों कही? देखिए अंजना, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये बेशर्म राजनीति है, बेशर्म राजनीति है। जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया तो उन्होंने कभी नहीं ऐसा नहीं सोचा था कि विधायकों की इस तरीके से खरीद फरोख्त होगी, लूट होगी एक तरीके से। आप क्यों इस तरीके से बचा के लेके जा रहे हैं? इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आपके विधायकों को उठा के ले जा सकता है। दूसरी बात, शरद पवार, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि शरद पवार एक तरीके से जितने बड़े नेता की छवि उनकी देश में बनाई जाती, मुझे नहीं लगता उतने बड़े नेता। जो नेता पिछले एक महीने से इतना अनिर्णय की स्थिति में हो, लगता है कि सब कुछ वो कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी में लूट मच जाए, उन्हीं का विधायक भागता हुआ नजर आए, तो आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे? आप फैसले क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं अजीत पवार को बाहर निकालते? एक अगर जैसे आप अजीत पवार को पार्टी से बाहर निकालेंगे, विधायकों को तय करना पड़ेगा कि उनको अपनी विधायकी चाहिए या वो अजीत पवार के साथ रहना चाहते हैं। एनसीपी के नेता जुड़े हमारे साथ, इंडिसाइसिव लीडरशिप मैंने बहुत कम देखा है। एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, ये देखिए हम आपको दफ्तर दिखा रहे हैं इस वक्त देवेंद्र फडणवीस। देखिए ये भी अद्भुत तस्वीर है, 2 विंडो काटिए, एक तरफ बसों में जबरदस्त हलचल है, विधायकों को उठा उठा कर परेड के लिए ले जाया जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस यहां पर अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं, वो फैसले ले रहे हैं कि सरकार का पैसा किधर खर्च किया जाएगा। ये दो तस्वीरें क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्रूवमेंट एंड फ्लड एंड ड्राउट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें हिस्सा ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ देवेंद्र फडणवीस और उस बैठक को वो इस वक्त चेयर कर रहे हैं। वो तमाम जो प्रपोजल्स हैं वहां पर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक खर्च करेगा 3500 करोड़ रुपए उनके प्रोजेक्ट्स पर, टेक्निकल असिस्टेंस की बात हो रही है, स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में क्या काम होना है। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस इस बैठक को इस वक्त चेयर कर रहे हैं जो वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्रूवमेंट फ्लड एंड ड्राउट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए किया जा रहा है। इधर तीनों दल अपनी ताकत को दिखाने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं और वही तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन एक सेकंड में आ रही हूँ राजीव भी, एक सेकंड, एनसीपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, एनसीपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। दिखाइए एक बार, एनसीपी के प्रवक्ता को दिखाइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे सर मैं ये जानना चाहती हूँ प्रवीण जी, जो कह रहे हैं आशुतोष जी कि अगर वाकई धोखाधड़ी से गलत चिट्ठी, गलत हस्ताक्षर के लिए जो किसी और का नाम डलना था, ऐसी धोखाधड़ी की चिट्ठी देकर ये सरकार बना ली है अजीत पवार ने, देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई से क्यों भाग रहे हैं आप लोग, क्यों भाग रहे हैं शरद पवार? प्रवीण पाटिल, हम बिल्कुल से भाग रहे हैं, कल पवार साहब ने पार्टी में मिलने का तय किया है, कुछ इस समय का जैसे महाराष्ट्र की तस्वीर साफ नहीं आ रही है, वैसी आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है सर।
जैसे महाराष्ट्र की तस्वीर साफ नहीं है वैसे ही आपकी तस्वीर भी साफ नहीं है। एक बार मैं आपके पास केसी त्यागी जी आना चाहती हूँ। शरद पवार को भी लंबे वक्त तक आपने देखा होगा संसद में और आपने काम भी किया होगा, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी उनको लेकर हमेशा थोड़ा सा शक करती है, इसीलिए पूरी तरह से विश्वास करने को भी तैयार नहीं है। आज भी सुबह बैठक हो रही थी, ये जो शक और संदेह शरद पवार को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर है, क्या ऐसा ही कुछ आपके मन में भी है? देखिए, मैं तो किसी परिवारवादी राजनीति का कभी हिस्सा नहीं रहा, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है और ना मैं आज भी हूँ। और परिवार में किस तरह से चाचा के भतीजे के बुआ के भतीजे के बाप के बेटे के कैसे अंतर विरोध होते हैं उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। जरूर ये एक तो बारामती जो है उसकी भी ये लड़ाई है, और मेरा अच्छा रिश्ता चूँकि सुप्रिया सुले से भी है, हम लोग साथ रहे हैं, तो व्यक्तिगत में कोई टिप्पणी अतुल अंजानी जी की तरह से नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पर जो जिस तरह का मैनेजमेंट उन्होंने इकट्ठा किया है शरद पवार जी ने, हर एक में बराबर की हिस्सेदारी श्री पवार साहब की भी है, अजीत पवार जी की भी है, सुप्रिया सुले वहाँ की राजनीति से अलग हैं, इसलिए उनको निकालना सिस्टम से बाहर करना, बारामती की जो आने वाली लड़ाई है वो ढीली ना पड़ जाए, वो भी शरद पवार जी के उसमें रहेगी। और मैं राउत साहब को, संजय राउत जी को कोट करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा है कि शरद पवार को समझने में 3 युग लगेंगे लोगों को। तो ये जो आपने नई बहस शुरू की है कि क्यों तो उन्होंने निकाला नहीं और ढाई ढाई साल का क्यों क्यों उन्होंने दे दिया, तो इसको समझने में अंजना जी कई दिन लगेंगे आपको डिबेट में। कम से कम इतना तो आपने कह ही दिया कि था लगा पाना उनकी राजनीति का बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आपसे सुधांशु जी सवाल, क्योंकि लगातार आप लोग भी 170 विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं, जब शरद पवार के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई तब सबसे ज्यादा शक के घेरे में वो आए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या माजरा है? क्योंकि उनके समर्थन के बिना मामला निपटेगा नहीं, अजीत पवार सिर्फ कर देंगे और साथ दे देंगे और विधायक दल के नेता वो बन जाएंगे, इतना आसान भी नहीं है ये जैसा आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना जी देखिए, आप स्वयं ये बात कह रही हैं कि पार्टियों में आपस में विश्वास नहीं, तीनों पार्टियों के नेताओं का आपस में विश्वास नहीं, नेताओं के परिवार के सदस्यों का आपस में विश्वास नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक दूसरे पे विश्वास नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपनी पार्टी के नेताओं पे विश्वास नहीं, मगर जनता यह विश्वास कर ले कि महाराष्ट्र को यह बड़ी अच्छी और मजबूत और विश्वास करने योग्य सरकार देंगे। मेरे विचार से यह विचार पूरी तरह अविश्वसनीय। संदेह तो अजीत पवार जी को भी लेकर होता है कि देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, नहीं मैं उसी तरफ बता रहा हूं। तो देखिए, ये दोनों जो चित्र आपके इस समय टीवी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं ना, दोनों का अंतर बहुत साफ है। एक तरफ कोई पार्टी है जो सिर्फ अपनी हैसियत बनाने के जुगत में लगी है, कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ एक पार्टी है जो अपना परिवार बचाने के जुगत में लगी है, एनसीपी, तीसरी तरफ एक पार्टी है जो अपना अहंकार बचाने के जुगत में लगी है, शिवसेना, और सरकार बनाने और काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लगी है। देवेंद्र फडणवीस जी के चित्र और बाकी चित्र मुझे लगता है बड़ी अच्छी। देखिए, मैं मुझे मानना पड़ेगा कि सुधांशु जी जो कहते हैं, अगर आप केवल तस्वीरें देखें तो वाकई उनके बात में दम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं और वहां सरकार को किस तरह से बनाया जाए, ये शरद पवार या पार्टी या परिवार को बचाया जाए उसकी रणनीति कर रहे हैं। लेकिन आखिर में ये सरकार बनाने की ये सत्ता की लड़ाई है। अगर आज सुधांशु जी मुझे कह रहे हैं कि भाजपा इस सत्ता की लड़ाई से दूर है, तो वो मुझे बताएं कि नारायण राणे, बबन राव पाचपुते, गणेश नाइक, राधाकृष्ण विखे पाटिल, इनको क्या टास्क दिया गया है, क्यों है वे, क्या कर रहे हैं और उनमें से तीन और दावा भी करते हैं और उनमें से तीन ऐसे के दावा करते हैं। अंजना जी, उसमें से तीन ऐसे हैं जिनको इसी सरकार फडणवीस सरकार ने कहा वो भ्रष्ट नेता है, आज वही भ्रष्ट नेता आपकी तरफ है और आप उनको ऑपरेशन कमल करवा रहे हैं।
तो एक तरफ हाँ बिल्कुल सही है कि शरद पवार पार्टी परिवार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना अपना अस्तित्व अपना अहंकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ना कहे सुधांशु जी कि बीजेपी जो है वो इस सत्ता की लड़ाई में गंगा की तरह परपवित्र है, इस महाराष्ट्र की लड़ाई में हम में सब नंगे हैं। अतुल अंजान जी भी बोलना चाह रहे हैं, आशुतोष जी बोलिए, उसके बाद अतुल जी के पास। आज आज सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब उत्तराखंड के अंदर संविधान का अपमान किया तब कहां थे, जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर संविधान का अपमान किया तब कहां थे, नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले बात कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर आपने जब येदुरप्पा को संविधान समर्थन कहा थे, आपने गोवा के अंदर जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी और आपने वहां जाके समर्थन ले लिया, बड़ी बड़ी बातें करना ठीक नहीं है। कोई एनसीपी और कांग्रेस सेना ये कोई ये भी अवसरवादी राजनीति है, अवसरवादी राजनीति दोनों कर रहे हैं। राजदीप, देश ने इसलिए चुना था नरेंद्र मोदी को, एक नया भारत देंगे, एक नया भारत जिसमें संविधान की इज्जत होगी, जिसमें लोकतंत्र की इज्जत होगी। तो इस तरीके से नहीं, नरेंद्र मोदी थोड़ी बदल देंगे। तो आप बैठिए किनारे, आप बोलिए, आप मुझे याद पड़ता 2013 में जब दिल्ली के अंदर बीजेपी को 32 विधायक थे, उन्होंने कहा मेरे पास मैंडेट नहीं, मैं विपक्ष में बैठूंगा। यही बोला था कुछ दिन पहले, इस्तीफा दिया था उन्होंने। क्यों सरकार बना रहे हैं? अतुल अंजान जी, अतुल अंजान जी, चार तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर आप कहेंगे कि गलत है तो दोनों तरफ वही बात है ना, यहाँ देखिए ना, दिखाई जा रही हैं बसों में भर भर के जिस तरह से विधायकों को ले जाया जा रहा है, क्या है ये? और अतुल अंजान जी क्या बात करेंगे, इमरजेंसी का समर्थन किसने किया था? दिखा रहा हूं, इंदिरा गांधी के साथ कौन खड़ा था वहां पे? नहीं नहीं, अभी आपने जगजीवन राम का जिक्र किया, आपने इमरजेंसी इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए थे, पूरा देश इमरजेंसी के खिलाफ था। अतुल जी, हर पार्टी इस हमाम में नंगी है, कोई अपने को यह ना बोले कि मैं पाक साहब विरोध में था, मैं अकेली पार्टी हूं, काला चश्मा लगा हुआ है। ना, मैं अकेली पार्टी हूं जिसने कहा कि हमने गलत किया था, अकेली पार्टी, और कोई पार्टी कहा है जिसने कि हमने गलती की है? किसी ने माना अपनी गलती? आप बात कर रहे हैं नैतिकता की, और फोटो दिखाया जा रहा है शरद पवार का, और ये सामने दिखाया जा रहा है कि भाई वो काम कर रहे हैं, वो समर्पण कर रहे हैं। अतुल जी, ये भारत में समर्पण की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और अपहरण की राजनीति कौन कर रहा है? सुधांशु जी, नहीं सुनिए, आप बोलिए, अभी बाद में बोलिएगा। समर्पण की राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, और अपहरण की राजनीति कौन कर रहा है? अपहरण की राजनीति नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। 28 दिन तक क्यों खामोश थे? 29वें दिन क्यों सरकार बनाई? अपहरण की राजनीति करने वाले लोग देश में नैतिकता की वो फलाने अपने हैं। कल तक आपके साथ थे एनसीपी, आप 5 साल तक जो लगातार आपको शिवसेना लगातार आपको कोसती रही, सामना में लिखती रही, आपने कैसे उसके साथ राजनीतिक समझौता कर लिया? भाई आप तो आदर्शवादी हैं, नीत अनीत और दुर्नीत की राजनीति करने वाले लोग आज साफ सुंदर गंगा बन करके बैठे हैं, हैं? जिन्होंने आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और आपने अडवाणी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, आप क्या कह रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने बर्फ की सिल्ली में लगा दिया जोशी जी को, अडवाणी जी को, नैतिकता का उपदेश दे रहे कि शरद पवार 80 साल के हो गए अभी तो दौड़ रहे हैं। आपने तो बोलना, आप बोलते भी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? इमरजेंसी की बात और कहां की बात, हमसे हमको मत बताइए। और ना हम त्यागी जी को बड़े सुंदर शब्दों में कहना चाहते हैं, हम आप एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, आपको भी याद है और हमको भी याद है, सब चीजें याद है, छोड़िए उनसे बात को। परिवारवादी राजनीति का जवाब भी तो सुनिए, कौन रहा है कौन नहीं रहा है, हमें इससे कोई लेना देना? आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? जो कुछ कहा आज हमारे अंजान जी ने, हम पूरी बात का विद्वान को सामने पहली बात ये बताना चाहते हैं, आपसे बचते बचाते दूसरी बस भी शिवसेना की पहुंच गई। हाँ, आप सुनिए, हम इसका बिल्कुल जवाब देते हैं। इन्होंने जो बात कही अपहरण की राजनीति और समर्पण की राजनीति, अतुल जी को मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले जनादेश का अपहरण किया शिवसेना ने, फिर शिवसेना की महत्वाकांक्षा और अहंकार का अपहरण किया एनसीपी और कांग्रेस ने, उसके बाद एनसीपी के अंदर जो सत्ता की लालच थी उसका अपहरण किया उनके परिवार के सदस्यों। आपको टोक रही हूं सुधांशु जी, आप और तिवारी जी बोल लीजिएगा, एक सेकंड तस्वीरें जरा बता दें। ये देखिए विधायकों की एक और बस पहुंची है, लोकतंत्र बसों में किस तरह से कैद है इस वक्त, उसी का नजारा है ये। और किसी भी तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहलाएगा कि विधायकों को इस तरह से दो दो कर ले जाना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं बिक जाएंगे, वो कहते हैं कि बचाते फिर रहे हैं, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच जिस वोटर ने अपना वोट इन विधायकों के लिए दिया होगा वो किस तरह के अचरज में होगा? ये कौन सी लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था है जो हमने अपने देश में इस वक्त बना रखी है? किस तरह से अलग अलग राज्यों में सत्ता का यह खेल होता है, खुली
आप कह सकते हैं इसको, जिस तरह से नीलामी होती है, एक बाजार बन जाता है सब कुछ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, होटल हयात के बाहर देखिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है, एक एक करके तमाम पार्टियों की बस पहुंच रही है। जल्दी से अपनी बात सुधांशु जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि ये जो अपहरण की राजनीति है ये कौन करा रहा है, और तिवारी जी उस पर फिर जवाब देना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, मैं ये बात जवाब दे देना चाहता हूँ आशुतोष जी की बात का, कि जब अरुणाचल प्रदेश में हमने विधानसभा में घुसने नहीं दिया, क्या हमने बाहर एक गेस्ट हाउस में, क्या ये उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है जो खाली है, एक कुर्सी खाली है सुधांशु जी? अब ये क्या नया माजरा हो गया है, क्योंकि अजीत पवार को मनाने की कोशिशें लगातार हो रही है। इस तस्वीर में जब करीब से हम देखते हैं तो एक कुर्सी खाली है, ये क्या अजीत पवार जी को बैठना था, पहुंचे नहीं? देखिए, ये आधिकारिक बैठक है, अब इसमें किस अधिकारी की वो कुर्सी है, वो चीफ सेक्रेटरी की है या अन्य किसी की है, इस विषय में तो कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी आरोप लगाया गया, मैं बिंदुवार उत्तर दे देता हूं। अरुणाचल प्रदेश में कोलिको पुल ने गेस्ट हाउस में विधायकों को सामने रखकर अपनी संख्या प्रस्तुत कर दी थी, तो हमसे कहा गया था विधानसभा में क्यों नहीं, ये बाहर से क्या होता है। उत्तराखंड में जब अंदर स्पष्ट था कि हरीश रावत सरकार हार गई, बाहर गेट के बाहर निकल के हमने विधायक सारे दिखाए थे, तो हमसे कहा गया था गेट के बाहर से क्या होता है, अंदर क्यों नहीं। गोवा में यह कहा गया, एक सबसे बड़ा दल था जिसने लिखित में दिया ही नहीं कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, और उसके बाद कह दिया गया, इसके बावजूद उसे बुला लिया जाता। सारी बातों के बारे में हमारी आराम तलबी और उनकी देरी की वजह से आप महान नहीं बन सकते हैं। कार्य करने का आपको भी आंकड़ा चाहिए होगा, 162 वहां पहुंच रहे हैं, तो आप बहुमत कहां से लाएंगे, किस भरोसे आप इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, ये पूछा जाएगा। ये भूल गए उत्तराखंड के अंदर जो सरकार बर्खास्त की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, अरुणाचल प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया था, आपने जो कर्नाटक में किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा, आपकी सरकार गिर गई थी, और उसके बाद आप नैतिकता की बात करते हैं। बताइए कौन सा उदाहरण है पिछले दिनों जब आपके पहले सरकारें बर्खास्त हुई उसको रीइंस्टेट किया गया, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश का तो साफ एग्जांपल है। सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका सुप्रीम कोर्ट होता है। अरे मान्यवर, हम उत्तराखंड में ये मांग करते रहे कि सीसीटीवी सरकार आपने बर्खास्त की, सुप्रीम कोर्ट ने विधायक साथ में नहीं दिखाया गया। आपको मैं याद दिला देता हूँ, उत्तराखंड के अंदर आपने सरकार बर्खास्त की थी, सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट की थी, अरुणाचल प्रदेश में आपने सरकार बर्खास्त की, सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट की थी, और आपने कर्नाटक के अंदर जबरदस्ती शपथ ग्रहण कराया और उसके बाद सरकार गिर गई। अब देखिए सुधांशु जी, आप वरिष्ठ नेता है, नैतिकता की बात मत करिए। अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं तो फिर त्यागी जी जल्दी से, उसके बाद विद्या आपके पास आ रही हूँ मैं, त्यागी जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। त्यागी जी एक मिनट, अर्जुना जी ये कहे, अगर देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना पड़ा तो उनके साथ साथ अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी देना लगता है ना सर। ये सारा खेल के पीछे अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अच्छा। अमित शाह जी को भी देवेंद्र फडणवीस के साथ इस्तीफा देना होगा। ओहो सर, इंद्रजीत गुप्ता जी ने इस्तीफों का दौर कब के इतिहास का हिस्सा बन, इंद्रजीत गुप्ता जी ने इस्तीफा दिया था जब आपने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त की थी। आप इंद्रजीत गुप्ता जी इतने बड़े नेता थे, गृह मंत्री थे देश के, क्या नारायण ने चिट्ठी वापस की थी? उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? फिर आज आप कैसे अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं? आपको पता नहीं आज आप कैसे अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं? उन्होंने आप लोग तो आंदोलन से निकले हुए लोग ना, अंधेरी गुप्ता इस देश के बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, उनके रहते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त पहले किताब पढ़ के आइए, उन्होंने सरकार बर्खास्त नहीं की थी। आप सर जी उसी कैबिनेट में थे, वो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट उनके पास आई थी, मैं वो रिपोर्टर था, मैंने कवर कर रखी, इसलिए आप मुझे मत बताइए। भंडारी ने की थी, नहीं दिया था, नहीं आप कोई कवर नहीं किया, भूल चुके हैं आप, विस्मृति का खेल में चले गए, छोड़ दीजिए, नहीं दिया था। अंजना जी, त्यागी जी 21 फरवरी को नहीं दिया था, छोड़िए त्यागी जी, आप बहुत जी मेरी बात किताब लिखिएगा इस पर। मैं अपने अंजना जी अरे मानेवर अंजना जी, मैं अपने मित्रों को 21 फरवरी 98 में अलग है, बताना चाहता हूं 21 फरवरी को रोमेश भंडारी ने, 21 फरवरी 1998 को रोमेश भंडारी ने सरकार बर्खास्त की, फिर यहाँ पर 200 से ज्यादा विधायकों ने कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में आकर के बताया कि रोमेश भंडारी का फैसला गलत था। इसी तरह से
बिहार में बूटा सिंह ने रात को 12 बजे बिहार की सरकार बर्खास्त की, उस समय नीतीश कुमार जी के पास बहुमत था, किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? नैतिकता और कितनों ने कब का इस्तीफा दिया? यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो अब गृह मंत्री के इस्तीफे की बात कहां से आती है? नैतिकता को सभी पार्टियां थोड़ा छोड़कर बात करें तो फिर ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार विद्या के पास चलते हैं। एक सेकंड सर, चीख चीख कर बुरा हाल हो गया है दो दिन से। विद्या, क्या नजारा है इस वक्त वहां का? बसों में भर भर के पहुंच रहे हैं माननीय विधायक सब? जी देखिए जी, बिल्कुल, बस बस बड़ी बड़ी गाड़ियां सिर्फ यही दिख रही हैं इस वक्त ग्रैंड हयात के बाहर। बिल्कुल, यहां पर इतने लोग अभी आ चुके हैं लेकिन अभी और आने बाकी हैं। शिवसेना की जो दो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो एनसीपी और कांग्रेस की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त यहां पहुंची नहीं है, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। देख लीजिए, यहां पे तकरीबन ट्रैफिक जैम जैसा सिचुएशन है। मुंबई पुलिस पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि हालात थोड़े सुधर सके, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रैफिक जाम काफ़ी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, तैयारियाँ जो हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं अंदर में, जो बैंक्वेट हॉल में जहाँ पर कि ये पूरा कार्यक्रम होना है वहाँ पर की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, जितना हमें बताया गया है अंदर से। उनका यही कहना है कि अब बस कुछ ही मिनटों में हम लोग अंदर होंगे और जहाँ पर कि ये पूरी जो ग्रैंड शो है, जो देख लीजिए जो गवर्नर के सामने जो होना था वो अब होटल में यहाँ पर होगा थोड़ी देर में। ठीक है तिवारी जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट कौन गया हुआ है। आप तो चोरी करने आए थे, हमने आपको पकड़ करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। आप यहाँ बार बार चीरहरण की बात मत कीजिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अलोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई सरकार जो 12 बजे रात में सारा आपका इनिशिएट होता है और सारी संवैधानिक संस्थाओं को ताक में रख करके, उस सरकार को कोई डिसीजन लेने का अधिकार किसने किया? अभी आपको मैं बता दूं, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2018 का, उसमें साफ साफ ये गाइडलाइंस है, बिकॉज मैटर इज सब्जुडाइज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, नाउ टिल द डिसीजन इज केम यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन सो फार। ठीक है, समझ गया। आप ये कह रहे हैं आप वहाँ पर लोगों को जिस तरह से जो पैसे की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको जजमेंट पढ़ के सुना सकता हूँ। ठीक है, वो समझ गए हम लोग, एक बार तस्वीरों के साथ रहते हैं। मैं आ रही हूँ सुधांशु जी से, इस पर जवाब लूंगी। ये हयात होटल की मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए 5 स्टार में। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे वोटर थे पॉश मुंबई के इलाकों के जिन्होंने वोट नहीं किया, आज वो बैठ के घरों में हंस रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्सर वोटिंग बहुत कम रहती है और ये हमेशा कहा जाता है कि जो पॉश इलाकों के मुंबई कर हैं वोट डालने के लिए नहीं आते हैं, आज वो हंस रहे होंगे कि देखिए ये तो लोकतंत्र की हालत है इस वक्त देश में। हालांकि वो कहीं से भी सही नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र का हिस्सा और लोकतंत्र की सूरत तभी बदलेगी जब ज्यादा से ज्यादा वोट दें लोग और भागीदारी करें, लेकिन जिन्होंने भागीदारी की होगी वो भी आज सिर ठोक रहे होंगे कि देखिए ये क्या परिस्थिति बन रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।